आज हम बात करने वाले हैं एक स्कैम की, जो कि हमारे कुणाल भैया के साथ हुआ है। ये बहुत बड़ा स्कैम है हमारी पेट इंडस्ट्री में, जो कि आए दिन किया जाता है, हर किसी के साथ किया जाता है, हर नए पेट ऑनर के साथ किया जाता है। इसको हम बोलते हैं स्कैमिंग, फ्रॉड, फर्जीवाड़ा, देसी कुत्ता पकड़ा देना, ये हमारी लैंग्वेजेस होती हैं। हुआ क्या था कि कुणाल भैया एक पेट शॉप पे गए थे, उस पेट शॉप पे एक पपी रखा हुआ था, 3-4 पपीज़ रखे थे केजेस में। तो कुणाल भैया को उसमें से एक पपी पसंद आया, जो कि जेट ब्लैक लैब्राडोर फीमेल पपी थी। तो कुणाल भैया ने जाके उस शॉप कीपर से बात की, उस पपी के बारे में जानकारी ली, पूछा। उस शॉप कीपर ने सब जानकारी प्रोवाइड करी कुणाल भैया को, उसके मॉम डैड्स के बारे में बताया कि पपी बहुत अच्छा है, प्योर है और फ्यूचर में बहुत अच्छा बनेगा, ऐसा बनेगा, जैसा भी उनको बताया हो। तो कुणाल भैया को तो बच्चा बहुत पसंद आया था। इन लोगों के आपस में डील फाइनल हुआ, डील हुआ जो 6,200 रुपीज़ का था, ब्लैक कलर लैब्राडोर फीमेल का। उस टाइम हुआ, एक महीना निकला, 2 महीने निकले, कुणाल भैया ने बहुत प्यार किया उस बच्ची को, अच्छे से खिलाया, जैसा जैसा उस शॉप कीपर ने बताया था वही सेम डाइट फॉलो करी, वैक्सीनेशंस लगवा लिए, सब कुछ सेम शॉप कीपर के गाइडलाइंस पे चला। 3 महीने कंप्लीट हो गए, फीमेल का रिजल्ट आने लगा, उसकी क्वालिटी का पता चलने लगा। तो पता चला कि वो फीमेल अपनी टेल को जो पीछे से राउंड करने लगी, उसका फेस स्ट्रक्चर लंबा होने लगा। तो कुणाल भैया जब वॉक करने निकलते थे अपने पैट को लेके, तो लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे कि यार ये तो देसी है, लैब्राडोर तो दिख नहीं रहा है। फिर कुणाल भैया थोड़े से परेशान हो गए, उस शॉप कीपर के पास गए, तो शॉप कीपर से बोला कि यार भैया ये तो देसी कुत्ता है, ये तो लैब्राडोर है नहीं। तो शॉप कीपर ने डायरेक्ट बोल दिया कि हमसे नहीं लिया था इस कुत्ते को, हमें नहीं मतलब है, हमारे यहाँ का ये डॉग नहीं है। तो कुणाल भैया ने अपने प्यार से उसको पाला, कहीं छोड़ तो सकते नहीं हैं। अब कुणाल भैया का पैसा भी गया, जो उनकी एक्सपेडिशन थी लैब्राडोर की वो भी गई, और उनको एक अच्छी सी खूबसूरत सी बच्ची मिल गई, जो कि क्रॉस ब्रीड थी लैब्राडोर के साथ। तो उन्होंने उस बच्ची को अपने घर में रखने के लिए सोचा कि नहीं, हमारे पास जो आ गया है हम उसी को पालेंगे। ये बहुत अच्छा डिसीज़न था कुणाल भैया का। लेकिन हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुणाल भैया तो एक लैब्राडोर पपी को लेने गए थे, मिल गया उनको देसी कुत्ता, वो भी 6,200 में। इससे अच्छा तो वो बाहर रोड साइड का कोई डॉग अडॉप्ट कर ले रहे। तो ये स्कैमिंग बहुत होती हैं। जब भी आप नए व्यूवर्स जो भी हमारे देख रहे हैं, जो भी एक नए पपी को लेने का सोच रहे हैं, तो जब भी आप एक पपी को लेने जाएं, तो सबसे पहले किसी भी वेटनरी डॉक्टर, किसी भी कैनल या किसी भी पेट शॉप वाले से, जब भी आप एक डॉग को लें, खरीदें, अडॉप्ट करें, तो उसका बिल लेना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। कभी भी ऐसे डॉग को लेके ना आ जाए। बिल लेने का मतलब क्या होता है कि आप एक, जैसे आपने एक मोबाइल ख़रीदा, उसकी श्योरिटी के लिए आपने बिल लिया, ऐसे एक डॉग होता है, उसका भी एक बिल होता है। तो बिल लेना कंपलसरी है, ज़रूरी है, आपको लेना ही चाहिए। उस बिल में आप नोट करवाइए उस पपी की एज, उस पपी कौन सी ब्रीड का है, आपने कितने में लिया, और जब भी वो फ्यूचर में पपी बड़ा होगा, अगर वो क्रॉस निकलता है, तो आप उस शॉप कीपर को या उस कैनल को या उस डॉक्टर को उस पपी का, अगर वो क्रॉस निकलता है, तो पूरा अमाउंट रिटर्न लेने का आप उस पर लिखवा लीजिए। अगर वो सामने वाला जेन्युइन होगा, लीगल होगा और उसको अपनी ब्रीड पे भरोसा होगा, तो वो आपको 110% लिख के देगा। हम लोग भी लिख के देते हैं हमारे पास। अब जब भी आप पपी को लेने आएंगे, हम लोग हमेशा आपको बिल प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ कभी कोई ऐसा नहीं हुआ है, क्रॉस ब्रीड कभी नहीं निकला है, कभी स्कैमिंग नहीं हुआ है किसी भी ब्रीड को लेके। तो मेक श्योर, कभी भी आप पपी को लेने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें, पपी को लाइव देखें, उसके बाद उसके मॉम डैड की डिटेल्स लें और बिल पे ज़रूर लिखवा लें। इसके साथ क्या होगा ना कि अगर फ्यूचर में अगर वो ब्रीड क्रॉस निकलता है, तो ब्रीड तो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप उस शॉप कीपर से या वेटनरी डॉक्टर से या फिर कैनल से आप अपना अमाउंट वापस लेने के हकदार लीगली हो सकते हैं। अब हम कुणाल भैया से पूछेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, वो आपको बताएंगे। और प्लीज़ स्कैमर से दूर रहिए, फर्जी ब्रीडर से दूर रहिए, एक अच्छे ब्रीडर से, अच्छे कैनल से, अच्छी पेट शॉप से, अच्छे वेटनरी डॉक्टर से ही पपी को खरीदिए और अच्छी ब्रीड का पपी खरीदिए। थैंक यू। बताइए ऑडियंस को कि आपके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ ये। हम ऐसे ही घूमते फिरते गए हुए थे वहाँ पर, तो उन्होंने हमें ये लेबरा कहकर और पकड़ा दिया, जबकि ये लेबरा ओरिजिनल है ही नहीं। उन्होंने क्या बोला था आपसे कि ओरिजिनल है क्या? हाँ, ये 90% ओरिजिनल लेबरा है, ऐसा करके उन्होंने कन्फर्म किया था।
और आपसे कितना चार्ज किया था उन्होंने? उन्होंने उससे 6,000 6,500 रुपये पूरे पूरे दिए थे। ओके, अब आप उनके पास जाएंगे।